नए चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहां से बेसिकली हमारे इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, राइट। तो पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा अपने साथ और समझाता भी रहूँगा साथ साथ, तो इंटरेस्टिंग चलेगा, नो होमवर्क। अब पूरी हमारी सिलेबस का, इस पोर्शन के सिलेबस का नाम है इंडियन इकोनॉमी। तो इसके अंदर हमारा पास्ट भी हमको जानने को मिलेगा, मतलब कि पहले क्या था, फिर अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है वो भी जानने को मिलेगा, और बहुत ही थोड़ा सा कुछ फ्यूचर के बारे में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी जानने को मिलेगी। तो इन टोटैलिटी हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो शुरू के जो कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है, तो इसमें बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें आपको सारी वो चीज़ें जानने को मिलेंगी जो उस समय की हैं, उस पीरियड की हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, काफ़ी ऐसी बातें होंगी नई नई जो हमको नॉलेज की तरह मिलेंगी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूँ कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये चैप्टर जो है ये मेनली आप समझो कि अच्छा हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी, क्या डेट थी, 1947, मतलब ईयर था 1947, 15 अगस्त। तो इस चैप्टर के अंदर हम 1947 के ऑलमोस्ट एरा को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ, उनके आने से पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, उनके आने के बाद उन्होंने कैसे हमको एक्सप्लॉइट करा यानी कि खराब करा, फिर जब वो चले गए तो, और जब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए, तो फिर उस टाइम पर हमारे क्या सिचुएशंस थे वो हमको समझने रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर ऐसे चलेगा, तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ भी रखा है, जो एक एक करके हम टॉपिक बनाकर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, राइट। तो आप सबसे पहले बस इसमें लिखना इंट्रोडक्शन। तो पहले हम कुछ छोटी सी बातें इंट्रोडक्शन वाली लिखेंगे, तो आप साथ साथ ही मेरे लिखते रहना, साथ साथ जो जो मैं बोलूं वो करते रहना, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में लिखना सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया changed the British rule over India changed the course of history of India course of history of India full stop the foundation of British Empire in India was led by Battle of Plassey in 1757। तो इस पहले पॉइंट का मतलब ये है बेसिकली कि कहानी की जो शुरुआत होती है अल्टीमेटली वो 1757 से होती है, जब बैटल ऑफ क्या हुई, प्लासी। तो आप ऐसा समझो, अपने माइंड में विजुलाइज करते रहो साथ साथ कि ब्रिटिश एम्पायर यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो घोड़े पे अपना वो लाल सूट पहन के जब आए हमारे देश में अल्टीमेटली, तो उनकी वो शुरुआत जो हुई वो लगभग लगभग आज से 250 साल पहले, मतलब 250 ईयर्स पहले हुई, 1757 के अराउंड हुई, बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल The main purpose of the British rule in India was to use Indian economy as feeder economy
एफ डबल ई डी ई आर इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आने का जो मेन पर्पस था, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए ब्रिटिशर्स बन के सोचो, तो वो हमारे देश में जो आए तो उनका मेन पर्पस ये था कि वो भारत से अच्छी अच्छी सारी चीज़ें लेकर अपनी इकोनॉमी का यानी अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी का उद्धार कर सके, अपना फ़ायदा कर सके। तो इस चीज़ को बोलते हैं या इसको इंग्लिश में लिखा है कि यूज़ इंडियन इकनॉमी एज फीडर इकनॉमी, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। मैं जो भी चीज़ें हाईलाइट करूँगा तो ये याद रखना वो सारे की वर्ड्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्ज़ाम में आप जितना उनका प्रयोग करोगे तो उतना आपका आंसर सुंदर लगेगा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस था कि वो इंडियन इकनॉमी को फीडर इकनॉमी की तरह यूज़ कर सके। फीडर इकनॉमी कौन होता है, फीड कौन करता है, मतलब फीडर कौन होता है, जो प्रोवाइड करता है ना, जो एक तरह से खाना देता है। तो इंडियन इकोनॉमी को वो इस तरह से यूज़ करना चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी से हम सब कुछ लेते रहें और अपनी इकोनॉमी का फायदा कर सके, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस for their own country। तो इसमें बस आप exploited word को underline कर सकते हो, बाकी natural and human resources। तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली हमारे natural resources को और human resources को exploit करा। exploit करने का मतलब आपको समझ आता है क्या होता है, एक्सप्लॉइट करना बोलते हैं किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली या एक्सटेंसिवली किसी को यूज़ करते हो, उसको एक्सप्लॉइट करना भी बोल देते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो बच्चों होमवर्क में 10 क्वेश्चन दे रहा हूं करके आना, तो ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर मैं बोल दूंगा कि होमवर्क में 1000 क्वेश्चन करके आओगा, तो इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ आप पर थोप रहा हूं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारे देश के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको भी और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई एग्जांपल दो, लेबर, वेरी गुड, ये लिख सकते हो अगर किसी को बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है लेबर, और कोई नेचुरल रिसोर्स का भी एग्जाम्पल दो, कोल माइंस, ये सब चीजें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा, यानी कि भारत के रिसोर्सेज का यूज करा, राइट। अब इसके नीचे आपको नेक्स्ट एरो डाल के लिखना है, इस एरो का नाम है कॉलोनी, COLONY, कॉलोनी, इसको ब्लॉक कर लेना। अब एक बहुत ही छोटा सा टर्म है कॉलोनी, तो कॉलोनी का क्या मतलब होता है, एक साथ रहना, ब्रैकेट में लिखना है कॉलोनी, NIALISM, यानी कि इसी कॉलोनी वर्ड से डिराइव हुआ एक टर्म कॉलोनीलिज्म, COLONIALISM, कॉलोनीलिज्म। इसका क्या मतलब होता है, अब ये समझाता हूं। कॉलोनीलिज्म का मतलब होता है कि इसमें मान लेते हैं एक कंट्री है, ये कोई भी कंट्री मान लेते हैं, और एक दूसरा कंट्री है, तो कॉलोनीलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, यानी कि
पहला कंट्री दूसरे कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं या जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं या जितने भी सोशल डिसीजंस हैं वो खुद लेना शुरू कर देता है। तो जो कंट्री ऐसा डिसीजन ले रहा होता है उसको क्या बोलते थे या बोलते हैं? रूलर। और जो कंट्री ऐसा हो रहा होता है जिसके साथ, उस कंट्री को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। तो हमारे भारत देश के एग्जाम्पल में ब्रिटिशर्स जो थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या ब्रिटिशर्स कुछ भी कह लो, वो कंट्री कौन था? रूलर। और इंडिया जो था वो कौन थी? उसकी कॉलोनी। तो इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना। तो डायग्राम आप मत बनाना भी, पहले मैं लिखवा देता हूं, तो आप इसके नीचे लिखो बिंदी डाल के, कॉलोनियलिज्म refers to a system of political and social relations between two countries, between two countries, comma, of which one is the ruler. तो ruler word को आप block कर लेना, one is the ruler and the other is its colony, colony, कॉलोनी को भी ब्लॉक कर लेना। फिर उसी के नीचे दूसरी बिंदी, द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल, द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी but also determines the economic policies, but also determine the economic policies of the colony. तो ये concept बन गया colonialism। तो देखो कितना simple हो गया। तो ऐसे अपने समझने के लिए देखें तो जो ब्रिटेन था या जो यूके कह लो, कुछ भी कह लो, या ब्रिटिशर्स कह लो, वो कंट्री एक तरह से इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री है? रूलर। और इंडिया जो था वो कौन सा कंट्री था इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? कॉलोनी। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया कॉलोनियलिज्म। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो कॉलोनी क्या होता है और कॉलोनियलिज्म उसी से डिराइव हुआ कॉन्सेप्ट बन गया। नेक्स्ट एरो में नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो तीन बातें मैं आपको ऐसी लिखवाऊंगा इसमें जो ये दिखाएंगी कि ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर, यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। आई होप कॉलोनियल रूल वर्ड का मतलब अब आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि इसीलिए पहले मुझे कॉलोनियलिज्म को क्लियर करना था। तो कॉलोनियल रूल का मतलब है ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिशर्स हम पर राज करते थे वो वाला रूल को कॉलोनियल रूल बोलते हैं। तो इसमें तीन बातें हम लिखेंगे, तो आप पहली बिंदी डाल के लिखो, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। तो पहली बिंदी में लिखो, इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट कॉमा सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। दूसरी बिंदी,
एग्रेरियन इकोनॉमी दैट इज एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दैट इज एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और तीसरी बिंदी इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स कॉमा प्रीशियस स्टोन्स एटसेट्रा. तो पहले तीन बातें लिखना. तो इतनी लाइन का मैं मतलब समझा देता हूँ, इतनी कहानी का मतलब समझा देता हूँ. ब्रिटिशर्स के आने से पहले यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी. तो इंडिपेंडेंट पर आप नंबर वन बना लो. दूसरा, हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट थी तो इस पे नंबर टू बना लो. तीसरा, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी इस पे नंबर थ्री बना लो. चौथा, हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी इस पे नंबर चार बना लो. और हमारा पूरी दुनिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में नाम था तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे नंबर पांच बना लो. तो अब इन पांचों को मैं कर देता हूं हाईलाइट. ये बन गए हमारे सारे कीवर्ड्स. अब वन बाय वन ये समझा देता हूं. इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता है, इंडिपेंडेंट का मतलब हम आजाद थे. सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है जिसको किसी और पे निर्भर ना होना पड़े. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खाना खाना है तो मैं अपने लिए सेल्फ रिलायंट हूँ. मैं खुद अपने लिए रोटी कमा सकता हूँ और खुद अपने लिए खाना भी तैयार कर सकता हूँ. तो आई एम सेल्फ रिलायंट, मुझे किसी और पे निर्भर होना नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट. तीसरा, प्रॉस्पेरस. प्रॉस्पेरस किसे बोलते हैं? प्रॉस्पेरस वर्ड इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है प्रॉस्पेरिटी का? रिचनेस, खुशहाली. खुशहाली प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं ना. तो भारत की इकोनॉमी जो थी वो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, खुशहाल इकोनॉमी थी. तो हमारी इकोनॉमी के तीन फीचर बताओ क्या थे? इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस. और चौथा, एग्रेरियन. एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन या हमारी बहुत सारी आबादी लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किस सेक्टर पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पर. मतलब बहुत सारे लोग, अगर मैं मान लेता हूँ ये पूरी क्लासरूम हमारा भारत देश है, तो इसमें से लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ये मतलब है. तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन थी. और नंबर पाँच, पूरी दुनिया में हम अपनी कौन सी इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए. हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है एक तरह से जो हाथों की कारीगरी होती है, हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती हैं. अब उसमें चाहे कॉटन की चीज़ें हों, सिल्क की चीज़ें हों, कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते थे, उन सब चीज़ों के लिए हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया में वेल नोन मानी जाती थी. तो यहाँ तक क्लियर हो गया पहले. बट हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ की आपकी पढ़ाई हमारी यूट्यूब सीरीज के थ्रू तो चल ही रहे हैं, और आप सारे YouTube Champs बैच के बच्चों की आई होप बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की. इस छोटे से मैसेज के अंदर बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि RKG के क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स के थ्रू अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से करना, जिसमें आपको अर्ली एक्सेस मिलता है पूरे के पूरे हमारे फुल रिकॉर्डिंग कोर्स का, चाहे आप उसमें अकाउंटेंसी, चाहे इकोनॉमिक्स और चाहे हमारे बिजनेस स्टडीज के कोर्स को अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप हमारे RKG इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर जाकर अवेल कर सकते हैं. इस पूरे रिकॉर्डिंग कोर्स के अंदर आपका 100% कोर्स कवरेज किया जाएगा डिटेल्ड मैनर में, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं हमारे क्लासरूम लेक्चर्स, यानी कि इसमें आपको मिलेगी पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन.
इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का सपना होता है क्लास ट्वेल्थ के बाद अपने एक ड्रीम कोर्स और ड्रीम कॉलेज में जाने का। तो मैं बता देता हूं बच्चों, हमारे पास आरकेजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने क्लास ट्वेल्थ के साथ अपने आने वाले सीयूईट या अपने आने वाले सीए फाउंडेशन सीसीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। उसका रीजन सिर्फ एक होता है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के बाद आपको सिर्फ 50-60 डेज का टाइम मिलता है जब आपके सीयूईट के एग्जाम या सीए फाउंडेशन के एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर आपका भी टारगेट है अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक करने का, खासकर अपने बोर्ड्स एग्जाम के बाद 2024 के अंदर, तो हमारे सीयूईट के तीनों ही सेक्शन के कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स दोनों मिलती हैं। लाइव क्लासेस अगर आपकी छूट भी जाती है तो उसका बैकअप आपके पास रहता है। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको तैयारी करवाई जाती है आपके सीयूईट एग्जाम की, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, डोमेन सब्जेक्ट्स एंड सेक्शन 3 सब कुछ कवर किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपका टारगेट है सीए बनने का या सीएस या सीएमए करने का, तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको हफ्ते में रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव क्लासेस दी जाती हैं सिस्टमैटिक तरीके से, एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है क्लास ट्वेल्थ के दौरान ही। बाकी जब लास्ट में 50 दिन का समय मिलता है उसमें हम करते हैं अपनी फुल फ्लेश्ड तैयारी, ताकि आप अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फाउंडेशन एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकें। तो अगर आप इन कोर्सेज को या इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। मैंने नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सिर्फ आपको स्टोर सेक्शन पर जाकर अपने डिजायर्ड कोर्स को बाय करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पर जरूर करेंगे। आई होप आपका रिजल्ट इस साल बहुत अच्छा आए। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट विशेस। बट का मतलब, अब देखो इन 5 अच्छी बातों के बाद अब ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ बड़ा सा, यानी ये 3 अच्छी अच्छी बातें हो गई कि हम इंडिपेंडेंट थे, हम सेल्फ रिलायंट थे, हम प्रॉस्पेरस थे, हम एग्रेरियन थे, और क्या थे, हम वेल नोन थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। फिर कौन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए। तो क्या हुआ, अब इस कर्ली ब्रैकेट के नीचे लिखना है आपको मेरे साथ साथ, हाउएवर कॉमा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कॉमा द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट pursued by colonial government were more concerned with protection and promotion of their own economic interests, protection and promotion of their own economic interest, full stop. इसी के जस्ट नीचे two fold strategy transformed India. Two-fold strategy transformed India into supplier of raw materials and consumer of finished goods from Britain. चलो देखो इसका क्या मतलब है, कीवर्ड्स आप मार्क करना। हमने पहले सारी 5 चीजें अच्छी पढ़ी, पर 5 चीजें मन में बोलते काफी याद होने सारे कीवर्ड्स, मैं आपको याद करवा के कर भेजना चाहता हूँ। हमारी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले 5 मेन अच्छी बातें क्या थी, हरे रंग वाली, इंडिपेंडेंट, खुशहाली थी, और हैंडीक्राफ्ट, इतना भी याद कर लिया मैं, नाम हो गया ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आ गए,
तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद लिखा है कि द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो आर्थिक पॉलिसियां अपनाई, जो आर्थिक नीतियां अपनाई, जो इकोनॉमिक पॉलिसियां फॉलो करी, वो उनके अपने प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए थी, यानी कि ब्रिटिशर्स अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो साधना चाहते थे, यानी कि वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा करना चाहते थे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे इसको लेके चलूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में, अगर मैं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा मोटिव क्या होगा, मेरा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होगा, मैं किसका फायदा चाहूंगा, आपका या अपना, अपना चाहूंगा। तो इसी तरह कॉलोनियलिज्म कॉन्सेप्ट में रूरल कंट्री कौन था, ब्रिटेन, और हम कौन थे, उसकी कॉलोनी, और वो हमें एक्सप्लॉइट करता था, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसियां जो होंगी वो किसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए होंगी, उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए होंगी। तो यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया। अब जो इसके बाद लिखा है कि इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा देना, इसको एग्जाम के लिए याद रखना, ये लाइन रटनी तो है, मैं आर का सिंपल बना रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं। टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली आपके मन में आएगा सर ये क्या है, है ना, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, सर ये क्या है, ये हमने तो पहली बार ही सुन लिया। तो ये आपको भी चैप्टर में थोड़े समय बाद सिखाई जाएगी, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, पर अभी ऐसा मान लो कुछ थी, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी ने भारत को बदल दिया और भारत को कुछ बना दिया जो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, बस बड़े ध्यान से सुनते रहना और आपको समझ आ जाएगा तो फिर मुझे बता देना कि सर हम समझ गए। बहुत ध्यान से सुनना, ब्रिटिशर्स ने क्या चलाकी करी थी मैं वो आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं दो कंट्रीज बना लेता हूँ, बस मेरी ड्रॉइंग पर आपको हंसना नहीं है, वो मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये हमारे दो कंट्रीज बन गए, ठीक है, रूलर कंट्री कौन है, ब्रिटेन, और कॉलोनी इंडिया, ठीक है। अब देखो ब्रिटेन ने क्या चलाकी करी, हमारे यहाँ मान लेते हैं इंडिया के अंदर अच्छा कॉटन मिलता है, अच्छी सिल्क मिलती है, और मान लेते हैं अच्छा अच्छा बहुत कुछ मिलता है। तो ब्रिटिशर्स की मैं आपको चलाकी समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जितना भी अच्छा अच्छा कॉटन था, जितना भी अच्छा अच्छा सिल्क था, या और जो भी हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब अपने यहाँ ले गए। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के यहाँ पर कुछ भेजता है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम उसको, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप इसको एक्सपोर्ट बोलोगे या इम्पोर्ट बोलोगे, ये सबको पता है इतना बेसिक। तो मैं ऐसे इसके ऊपर लिख दूँ कि इंडिया से ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, तो आप कंफर्टेबल हो, एक्सपोर्ट हो रही थी। अब ब्रिटिशर्स इन सब चीज़ों का सर क्या करते थे, वो कॉटन का क्या करते थे, अब वो कॉटन को अपनी मशीनों में डाल डाल के, मान लेते हैं कॉटन की अच्छी अच्छी टी शर्ट बना रहे थे, सुंदर सुंदर, है ना, लिवाइस की, ऐसे बोल रहा हूँ कुछ, तो टी शर्ट बना दी। सिल्क को वो मशीनों में डाल डाल कर क्या बना रहे थे, अच्छे अच्छे मान लेते हैं सिल्क की शॉल्स बना रहे थे, रेशमी। तो मतलब उन्होंने हमारे से लिए हुए कॉटन, सिल्क, कुछ भी चीज़ों को अपनी मशीनों में डाल डाल कर अपने यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना दिए। अब ये प्रोडक्ट्स, ये टी शर्ट्स, ये शॉल्स, आपको पता है ब्रिटिशर्स की चलाकी, उन्होंने ये टी शर्ट्स, ये शॉल्स हमारे ही भारत के बाजार में बेचने भी शुरू कर दिए। क्योंकि देखो लोगों जो होते हैं, खासकर इंडिया के लोग जो होते हैं, उनको अपनी देसी चीजें पसंद नहीं होती। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि चलो बच्चों कल से आपको खादी का कुर्ता पजामा पहन के आना, तो आप भी मना कर दोगे, नहीं सर हम क्यों अपना पहन के आएंगे, आपको भी बाहर के ब्रांड्स ज्यादा पसंद है, आप भी तो कहोगे सर हम बाबा रामदेव की टी शर्ट क्यों पहने, हम तो जॉन सीना की टी शर्ट पहनेंगे। तो आपका जब आज ये हाल है, तो पहले भी कोई हाल था, तो लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हम बाहर की विदेशी चीजें खरीदेंगे, ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे, और ब्रिटिशर्स भी देखो वैसी टी शर्ट पहन रहे हैं, तो इनकी ये टी शर्टें और इनकी ये शॉल वॉल या जो भी चीजें होते थे वो यहाँ पर लोग थोड़ा खरीद भी लेते थे, और कुछ ब्रिटिशर्स फोर्सफुली भी बेच देते थे, कहते थे देखो खरीदना पड़ेगा नहीं तो मार खा लो। तो अब ये जो फाइनल गुड्स हैं, ये जो कह रहे हो फिनिश गुड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में बनाते थे, इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप क्या बोलोगे, इम्पोर्ट। वेरी गुड, तो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो गया इम्पोर्ट।
तो अब देखो ब्रिटिशर्स की साइकिल चल रही है, ये पूरा एक पहिया हो गया कंप्लीट। तो भारत से रॉ मेटीरियल आया ब्रिटेन में, ब्रिटेन में उस रॉ मेटीरियल से बन गए प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स वापस से भारत में बेच दिए। तो इसमें देखो ब्रिटिशर्स को कितना फायदा हुआ, उनकी चलाकी और गहराई से समझाऊं, वो जितने भी रॉ मेटीरियल्स हमसे ले लेते थे वो सस्ते सस्ते दामों पर लेते थे, बहुत सस्ते दामों पर लेते थे, और जब हमें उसी सस्ते रॉ मेटीरियल्स का फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचते थे तो क्या वो सस्ते में बेचते होंगे आपको लगता है? नहीं, क्योंकि उनका तो मोटिव अपने लिए काम करना था, तो वो बहुत महंगा महंगा बेचते थे। तो देखो कितनी है ना खतरनाक और दर्दनाक बात, पूरा लॉजिक समझ आया? तो इसी पूरी कहानी को दो लाइनों में दे रखा है ऊपर अंग्रेजी में, जो आपको याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट है। टू फोल्ड स्ट्रेटेजी छोड़ दो, बाद में सिखाऊंगा, ट्रांसफॉर्म के बाद पढ़ना कि इसने टू फोल्ड स्ट्रेटेजी ने क्या करा, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मेटीरियल। तो पहले आप इतनी अंग्रेजी से संतुष्ट हो गए, सप्लायर ऑफ रॉ मेटीरियल का मतलब है, आप चाहे सप्लायर वर्ड को लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक्सपोर्ट मतलब या एक्सपोर्टर। तो इंडिया जो है वो कैसा कंट्री बन गया, वो एक्सपोर्टर कंट्री बन गया, वो रॉ मेटीरियल एक्सपोर्ट करने लगा। तो इसको बोलते हैं सप्लायर ऑफ रॉ मेटीरियल, राइट? यहां तक क्लियर हो गया। एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब बताओ, कंज्यूमर का मतलब इंपोर्टर्स। वेरी गुड, तो ये भी आप अपने लिए बादल के अंदर लिख लो। तो ब्रिटिशर्स की जब मैं आपको टू फोल्ड स्ट्रेटेजी समझाऊंगा तो उसमें ये पॉइंट तब आएगा कि ब्रिटिशर्स ने हमसे रॉ मेटीरियल ले लेकर हमें सारे फाइनल प्रोडक्ट्स चिपकाने शुरू कर दिए। तो ये बेसिकली ये अंग्रेजी कह रहे हैं। तो क्लियर हो गया पूरा पॉइंट? तो बहुत ही बेहतरीन, इसमें दो या तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आपके पास इसमें आंसर लिखने के लिए कैसे बनेगी कहानी, पांच हमारे पास हो गए अच्छे कीवर्ड्स, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसियां जो थी वो किनके इंटरेस्ट के लिए थी, उनके अपने इंटरेस्ट के लिए थी, और उन्होंने हमारे देश को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मेटीरियल्स का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया? फिर इसके नीचे नेक्स्ट एरो डाल के आपको लिखना है। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम और डैश करके बस एक वर्ड लिखना है कैपिटल लेटर्स में, लो, एल ओ डब्ल्यू। तो हेडिंग भी हो गई और वैसे इसमें आंसर भी हो गया, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम डैश करके लो। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम ऑब्वियसली आपके मन में सबसे पहले इस बारे में क्या है? तो नेशनल इनकम क्या होती है, सिर्फ बेसिक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। नेशनल इनकम का मतलब ऐसे ही मान लो कि हमारे पूरे देश में 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इतनी कितनी आबादी, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमारे जितने भी ये रेसिडेंट लोग हैं, ये जो रहते हैं, इन सब लोगों की अगर आप मिलाकर इनकम बोल दोगे, मिलाकर सबकी टोटल जोड़ जाड़ के इनकम बोल दोगे, तो बस उसी को सिंपल भाषा में मैं क्या बोल सकता हूँ, नेशनल इनकम। तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। हालांकि इसकी फुल डिटेल आप कहां पर सीखते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर आता है नेशनल। और पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम
पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि अगर मैं पूरे देश के सारे लोगों की इनकम को जोड़ लूं और उसको टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दूं, मतलब कि डिवाइड कर दूं, तो उसे हम कह देते हैं पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटल इनकम। तो इसमें आप पर कैपिटा ही लिखना, एल हटा देना, मैंने शायद एल लिख दिया, तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये आप छोटा सा फॉर्मूला इसका नोट कर लो इसी के नीचे। तो नेशनल इनकम मतलब ये देश की इनकम, सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में देश की इनकम, राष्ट्रीय आय बोलते हैं इसको हिंदी में, वैसे हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चों के लिए। और पर कैपिटा इनकम मतलब हो गया कि एक व्यक्ति की इनकम, यानी कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एक आदमी की इनकम। तो अगर मैं आपसे वैसे भी पूछूं इन जनरल कि जब ब्रिटिशर्स हम पर राज करते थे या जब हमारा कॉलोनियल रूल चल रहा था जिस जमाने में, तो आपको लगता है कि उस जमाने में हमारे भारत देश की टोटल इनकम या नेशनल इनकम कोई बहुत ज्यादा रहती होगी? नहीं रहती होगी। और जो आम व्यक्ति है, लोग हैं, एक आदमी की इनकम भी कम रहती होगी। तो इसीलिए इस पूरे हेडिंग का एक वर्ड में आंसर है लोग। इसका मतलब हमारे देश में नेशनल इनकम भी कम थी और पर कैपिटा इनकम भी हमारे देश की कम थी, लो थी, ये मतलब हो गया टॉपिक। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने, तो वो आप मेरे साथ साथ लिखो बिंदी डाल के। पहली बिंदी डाल के लिखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी सिंसियर स्टेप्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी सिंसियर स्टेप्स टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम। दूसरी बिंदी, सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड Some individual attempts were made, but they were inconsistent. Third, Dr. Rao, R-A-W, Dr. Rao, फिर अपोस्ट्रॉफी वाला एस, तो ये बन गया डॉक्टर राउस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डॉक्टर राउस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वॉज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। वॉज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। और चौथी बिंदी, इंडियाज एग्रीगेट रियल आउटपुट वॉज लेस देन 2% and it was growing only at 0.5% per year। तो ये सारी बातें सर क्या हैं एक बार हमको भी बता दीजिए। लिख लिया अंदर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बातें, एक दो कीवर्ड्स हैं जो आप मार्क करना। सबसे पहले तो सर ये टोटल इनकम निकालेगा कौन? क्या देश की इनकम निकालना सिंपल है? भाई आपकी एक आदमी की इनकम निकालनी हो तो चलो मैं आपसे पूछ लूं, आपसे पूछ लूं, आपसे पूछ लूं, लेकिन देश की इनकम निकालना इज अ वेरी बिग डील।
तो ब्रिटिशर्स ने तो या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करना, उन्हें किसकी इनकम में ज्यादा दिलचस्पी होगी, खुद सोचो। उन्हें तो अपने देश की इनकम में ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, उन्हें इंडिया की इनकम से क्या लेना देना। अगर मैं आपको एक्सप्लॉइट करने आया हूं तो मुझे उसमें क्या दिलचस्पी होगी कि मैं बैठ के आप सबकी इनकम जोड़ता रहूं। मुझे तो अपनी जेब में देखना है कि मेरी इनकम कितनी है। तो ब्रिटिशर्स ने तो इसीलिए कोई सिंसियर स्टेप नहीं उठाए देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। पर बहुत से अलग अलग कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अटेम्प्ट तो करा निकालने का, लेकिन सबके अटेम्प्ट जो थे वो काफी इनकंसिस्टेंट थे। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही भिन्न भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने इनसे पूछा कि बताओ देश की इनकम कितनी, तो इन्होंने कहा 100 रुपये। फिर मैंने इनसे पूछा कि बताओ देश की इनकम कितनी, तो इन्होंने कहा 500 रुपये। फिर मैंने इनसे पूछा बताओ देश की इनकम कितनी, तो इन्होंने कहा सर 1500। तो बहुत इनकंसिस्टेंट है, मैं किसका सच मानूं, ये 100 कह रहा है, ये 500 कह रहा है, वो 1500 कह रहा है। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने जो भी एस्टिमेट्स निकाले वो कैसे थे, इनकंसिस्टेंट थे। लेकिन एक व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसीलिए इस पे स्टार लगा लो आप थर्ड पॉइंट पे, एक व्यक्ति ने जो एस्टीमेट निकाला था उसको काफी सिग्निफिकेंट माना गया, यानी कि उसको काफी ज्यादा सही और सटीक माना गया। कौन थे वो व्यक्ति, नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर राव। तो उन्होंने जो नेशनल इनकम का एस्टीमेट दिया वो काफी ज्यादा सही माना गया। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है ये है एक डेटा पॉइंट, तो इसमें मैं डी का सिंबल बना रहा हूं। अब डेटा पॉइंट बताओ क्या सिखाया था आपको इंडक्शन वाले दिन, क्या करना है इसको घर जाके आपको अपनी डायरी में लिखना है, ये आपका होमवर्क हो गया। याद आ गया ये? नहीं याद आया होगा, मतलब जिन्होंने इंडक्शन नहीं करा उन्हें याद नहीं आया होगा, बाकी जिन्होंने करा था उन्हें पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डेटा पॉइंट क्या है मैं बता देता हूँ, बाकी आपका काम है मार्क करना। तो ये शुरुआती 20th सेंचुरी के बारे में बताया गया कि तो इंडिया का जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था, एग्रीगेट रियल आउटपुट, अभी आपको टर्म समझाना मुश्किल है, ये हम थोड़ा सा जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर सिखाया जाता है। लेकिन आप इसको सिंपल ऐसा समझ लो कि एग्रीगेट रियल आउटपुट का मतलब होता है, एक तरह से समझ लो कि कितना आउटपुट बना है, मतलब कितने डब्बे बने, गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा मान के चल लो फिलहाल आप। तो भारत का वो गुड्स एंड सर्विसेज का जो बनने का प्रतिशत था कुल मिलाकर वो 2% से भी कम था। तो एक तो आपको ये 2% याद रखना है, और दूसरा उसकी जो ग्रोथ थी, यानी कि चलो हम आज 2% पे हैं, जैसे ऐसा समझ लो किसी बच्चे के 100 में से 2 नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल। वो बच्चा कह रहा है सर मैं बहुत दुखी हूं, मैं फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम कह रहे हैं तुम अगले टेस्ट में कितने लाए, तो अगर वो अगले टेस्ट में कहे सर मैं अगले टेस्ट में 40 लाया हूं, तो इसका मतलब उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन इंडिया के साथ ये भी नहीं था, हमारा जो रियल एग्रीगेट आउटपुट है वो है तो 2%, और इसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो भी मात्र, देखो लिखा है इट वॉज ग्रोइंग ओनली एट कितना, सिर्फ 0.5%। तो मतलब ग्रोथ भी बहुत स्लो थी। तो ये पूरा पॉइंट जो है ये एक तरह से हमारे लिए निराशावादी पॉइंट है, मतलब बड़े दुख वाली बात है कि उस टाइम पर हमारा रियल एग्रीगेट आउटपुट बहुत कम था और वो ग्रो भी बहुत कम हो रहा था, ये समझाना चाहता है ये पॉइंट। तो इसका मतलब पूरा टॉपिक जो है वो वैसे एक वर्ड के आंसर में ही निपट जाता है कि नेशनल इनकम हो या पर कैपिटा इनकम हो, वो हमारे देश की क्या थी, लो लो, बस एक लो वर्ड भी चलेगा। और दूसरा कीवर्ड याद रखना है कि किस व्यक्ति के नेशनल इनकम के एस्टीमेट को सबसे सिग्निफिकेंट माना गया, डॉक्टर राव। बस, तो आपका मेन मुद्दा यहां पर निपट जाएगा। तो नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम लो थी और व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राव। तो क्लियर हो गया। बस फिर इसके बाद एक लास्ट एरो और डालना है तो हमारी एक पर्टिकुलर तक की बातें खत्म हो जाएंगी। लास्ट है हमारा हेडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें पहली बिंदी डाल के लिखना है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियाज इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल, अंडर कॉलोनियल रूल
वॉज रूरल एंड एग्रेरियन, दूसरी बिंदी, नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर. और तीसरी बिंदी, इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स, फुल स्टॉप. इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स. तो तीन पॉइंट बहुत ही सिंपल छोटे से पॉइंट हैं, बट आपको एक सस्पेंस के साथ छोड़ूंगा आज की क्लास में. तो तीन पॉइंट्स में हमने ये लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में. उसमें से एक तो पहले ही हम पढ़ चुके थे कि कॉलोनियल रूल के टाइम पर या कॉलोनियल रूल के अंडर इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो रूरल थी और एग्रेरियन थी. तो एग्रेरियन तो आपको पता था, पहले हमने पढ़ लिया था. एग्रेरियन का मतलब है कि सारे लोग मोस्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. और रूरल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग, वो अगले पॉइंट में कवर हो रहा है, बहुत सारे लोग कौन से एरिया में रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे. और सबका लाइवलीहुड जो है, मतलब कि रोजी रोटी, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे डिराइव होती थी, एग्रीकल्चर से ही डिराइव होती थी. तो इस तरह की इकोनॉमी को हम इसीलिए एग्रेरियन कहते हैं. तो एग्रेरियन इकोनॉमी का आपको ना अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेना है कि जहां पर बहुत सारे लोग कहां पर रहते हैं, रूरल एरिया में, और जहां पर बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी जो होता है वो किस चीज से चलता है, एग्रीकल्चर से. तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, एग्रेरियन बोलते हैं. और भारत जो है कॉलोनियल रूल के अंदर, ये सबसे हमारे लिए खतरनाक पॉइंट है, वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट. तो इसका कोई रीजन सोच के बता सकते हैं, ऐसे है तो बहुत कॉमन सेंस वाला कि जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तो मतलब हम अपना जो खाना है, जो फूड है, हमारे इतने सारे लोग देखो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, सारे लोग रूरल एरिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में होने के बावजूद भी हम अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. मतलब हम अपने लिए ही नहीं फ्रूट क्रॉप्स उगा पा रहे. क्यों? रिसोर्सेज क्या हो गए, ब्रेक हो गए, अच्छा ड्रेन हो गए. और रीजन बताओ कि इतना बुरा हाल आखिर हुआ क्यों. मेरा प्रश्न यहां पे ये है कि अगर मैं कह रहा हूं भाई इतने सारे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और सारे के सारे मेजॉरिटी लोग रूरल एरिया में रहते हैं, तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो सारे जने मिलके, तो भी खाना कम क्यों पड़ रहा है देश में. उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया इंडिया को, यहाँ पे बना भी दिया, लेकिन सारा सामान कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा. पहले टैक्सेस, हाँ अच्छा, पहले टैक्सेस क्रॉप्स की फॉर्म में ले लेते थे, तो वो वैसे ही चला जाता था. तो जो थोड़े बहुत क्रॉप्स होते भी थे बनाने के बाद, वो ब्रिटिशर्स वैसे ले लेते थे टैक्स की तरह, यही बोल रहे हो. ठीक है, तो वैसे तो खैर आपके लिए मजेदार बात यह है कि ये जो सस्पेंस है वाई वाला, ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है. तो इसलिए यहाँ पे आके मेरे को छोड़ना है कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि देश में खाने की कमी हो गई, जबकि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, राइट. तो अब एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और जल्दी से क्विक रिकैप करें आज का, ताकि आपको घर में कोई होमवर्क ना मिले. चलो, तो सबसे पहले मुझे बताओ ब्रिटिशर्स का आगमन भारत में जो हुआ वो कौन से ईयर में हुआ. 1757 में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के साथ. तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आने धीरे धीरे शुरू हो गए. फिर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को क्या बना दिया, फीडर इकोनॉमी,
यानी कि उनका मोटिव था कि भारत से हम जितनी भी चीज़ें हो सकते हैं वो ले लें। फिर उन्होंने क्या क्या एक्सप्लॉयट करा, हमारा नेचुरल रिसोर्स भी और ह्यूमन रिसोर्स भी एक्सप्लॉयट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कॉलोनलिज्म किसे कहते हैं या कॉलोनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमको क्लियर है, जिसमें एक होता है रूरल कंट्री, एक होती है कॉलोनी। रूरल कंट्री जो होता है वो अपनी कॉलोनी के इकोनॉमिक डिसीजंस भी लेगा, पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेगा, या एक तरह से उसको कंट्रोल करेगा, और इसमें उसका इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब कि एक तरह से अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा या अपना ही बेटरमेंट का मोटो होगा, तो इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उसके बाद पांच अच्छी बातें या पांच कीवर्ड्स जो हमने सीखे भारत की इकोनॉमी के ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, प्रॉस्पेरस थी, एग्रेरियन थी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वेल नोन थे। यहां तक हो गया। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने एक्सप्लॉयट करा, तो उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा, और उनकी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी ने भारत को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये वाला डायग्राम याद हो गया। एंड लास्ट, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम भारत की क्या है, मतलब क्या थी, लो। सिंपल वर्ड में ब्रिटिशर्स ने इसको मेजर करने के लिए क्या कोई सीरियस स्टेप्स उठाए, नहीं, बट कुछ इंडिविजुअल्स ने स्टेप्स उठाए, पर उनके आंसर्स क्या थे, इनकंसिस्टेंट। पर एक व्यक्ति का एस्टीमेट काफी बेहतर माना गया, कौन, डॉक्टर राव, वेरी गुड। बाकी डेटा वो आपका पॉइंट हो गया। और एग्रीकल्चर के साथ हम छोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी खाने की कमी थी, या फिर भी हमारा एक तरह से लिखा है हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, तो जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में यहां से शुरू करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। तो क्लियर हो गई कहानी, इंट्रो पूरा डन, ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में, आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में, किस बात के, मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते, तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।